सो हेलो फ्रेंड्स, 20 दिन के बीपीएससी क्रैश कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम 8वें दिन के साथ आपके साथ जुड़े हैं। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या कवर किया, अगर उसका एक रिकैप देखें तो पहले दिन जो है हमने कवर की थी पॉलिटी, फिर सेकेंड डे हमने जनवरी करंट अफेयर्स कवर कर लिया, थर्ड डे हमने इको कवर की, सॉरी ज्योग्राफी, फोर्थ डे फेब्रवरी, 5वें दिन हमने इको कवर किया, 6ठे दिन हमने मार्च कवर किया, 7वें दिन हमने एंशिएंट मिडाइवल कैल ख़त्म किया था, और आज 8वां दिन है तो हम लोग अप्रैल का करंट अफेयर्स कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में हम लोग साथ साथ बिहार का भी करंट अफेयर्स देख रहे हैं। और तो करंट अफेयर्स सारे होने के बाद और टॉपिक्स होने के बाद हमारा बिहार का जो जनरल नॉलेज है वो बचेगा, जो आखिरी 5 क्लासेस हम करेंगे। तो चलिए हम अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने ऑल दिन भी कवर किया है, ग्रेड अप से मैंने ये उठाया है क्योंकि तो इनके करंट अफेयर्स के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोई अपॉइंटमेंट वगैरह है तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है उसके लिए बैंक ने एक एवरेज बेस रेट सेट किया है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए सेट किया है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के, ठीक है। और ये विजया बैंक जो है और देना बैंक, उसको बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया गया है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट लेंडर कंट्री की अभी है फिलहाल, बट जो रिसेंट पंजाब नेशनल बैंक वाली मर्जर है उसके बाद सब कुछ फिर चेंज होने वाला है। ओके, फिर ये इम्पॉर्टेंट है कि रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया था अप्रैल महीने में, कि इट इज हैज़ प्लान टू इंजेक्ट $5 बिलियन वो बैंकिंग सिस्टम में डालेगी। कैसे? तो जितने भी उसके पास डॉलर थे उसको रुपये में कन्वर्ट करके, बाई सेल और स्वाप के 3 साल के टर्म में, कि डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करके वो रुपीज़ इंजेक्ट करेगी, और जितने भी फॉरेन ये थे लोगों के बैंक्स के पास उसको अपने पास रख के और उनको रुपीज़ देगी वो। तो स्वाप अरेंजमेंट था ये, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, अगर बैंकिंग से इम्पोर्टेंट चीज़ें और कुछ, आरबीआई ने लिमिट सेट की है वेज एंड मींस एडवांसेस के लिए। वेज एंड मींस एडवांसेस बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उनको जो लोन्स आरबीआई प्रोवाइड करती है वो इसके थ्रू होती है, वेज एंड मींस एडवांसेस। तो उसके लिए जो पहला हाफ है अप्रैल से सेप्टेम्बर तक का, उसके लिए लिमिट सेट कर दी है 75,000 करोड़। के बाद फिर बंधन बैंक जो है उसके रिसेंटली जो है उसे अप्रूवल मिल गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो उसका अमलगमेशन है ग्रुप फाइनेंस के साथ उसको लेकर। तो ग्रुप फाइनेंस के साथ बंधन बैंक का अमलगमेशन की बात चल रही है, तो ये आप उसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। रेपो रेट्स वगैरह क्या होती है वो तो ऑलरेडी आपको पता है, मैंने बता दिया था इकॉनमी में ये सारी चीज़ों को। इनके रेट्स जो है हर 2 महीने पे चेंज होते हैं, सो आपको इनके रेट्स को याद नहीं करना है। बस याद रखिए कि जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, बैंक रेट, CRR, SRR, ये सब मॉनिटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि RBI यूज़ करती है। किस लिए? तो मनी सप्लाई को इकॉनमी में कंट्रोल करने के लिए, कि मनी सब जब जो इकॉनमी में फ्लो हो रहा है वो बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए उसके लिए। के बाद ये सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर कैनरा बैंक ने सक्सेसफुली एक नया फंक्शन लॉन्च किया, जिसमें कि EMV कार्ड जो है, जो कि अक्रॉस ATMs पे हैं, और आधार ऑथेंटिकेशन को ये सपोर्ट करेंगे। ओके, जो नरसिम्हम सेकंड कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो था कि RBI जो है वो अपने जितने भी स्टेक हैं नेशनल हाउसिंग बैंक और नबार्ड के, वो ख़त्म कर देगी, हटा देगी फाइनली, उसमें जो ये काम कर दिया है तो उसने 20 करोड़ रुपए में टोटली जो नबार्ड और NHB का जो स्टेक है वो
रिलीज कर दिया है, तो अब जो गवर्नमेंट है वो टोटली 100% स्टेक होल्डर है नाबार्ड और बोथ नेशनल हाउसिंग बैंक की। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद देन आरबीआई इज गोइंग टू रिलीज, मतलब कर दिया है फिलहाल, ये तो अप्रैल का न्यूज़ है, महात्मा गांधी के बैंक के नए सीरीज ऑफ 20 रुपीज़ नोट पे। ठीक है, न्यू सीरीज है ये महात्मा गांधी का 20 रुपये के नोट पे। तो ये सारे न्यूज़ थे जो कि बैंकिंग से रिलेटेड थे। ऑबिचुअरीज इज़ नॉट रेलिवेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसकी डेथ हुई थी इसलिए आप इसको नहीं देखे तो भी चलेगा, इग्नोर कीजिए इसको। इम्पॉर्टेंट डेज पे हम आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्कल दिवस जो है उड़ीसा का फाउंडेशन डे की तरह मनाया जाता है, 1 अप्रैल को ये मनाया गया। उसके बाद वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल। फिर जो इम्पोर्टेंट डेज है मैं वो बताऊंगा, मैं जैसे नेशनल मैरीटाइम डे ऑफ इंडिया जो है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, तो दिस डे द कंट्री रिन्यूज इट्स अबाइडिंग फेथ इन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरीटाइम जोन्स। ओके, और इस साल का जो थीम था वो था इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, और ये डेट जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस दिन जो था वो मॉडर्न एरा का ओलंपिक पहला स्टार्ट हुआ था एथेंस ग्रीस में 1896 में। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। तो 17 अप्रैल को जो है वो 24 जो और लास्ट जैन तीर्थंकर थे भगवान महावीर, यानी कि उनका बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है 17 अप्रैल को। उसके बाद इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। के बाद नेशनल पंचायती राज दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि जो 73rd अमेंडमेंट था जिससे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आई थी इंडिया में, संविधान का पार्ट बनी थी, उसके इफेक्ट में 24 अप्रैल 1993 से लाया गया था। मलेरिया डे 25 अप्रैल, और इस बार का जो ग्लोबल थीम था वो था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। फिर ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज डे जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस साल ये इलेक्शन के कारण नहीं मनाया गया तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछ सकते हैं वो। और इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले बैच ऑफ सिविल सर्वेंट्स को इंडिपेंडेंट इंडिया में एट मेटकैफ में एड्रेस किया था, इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट डेज थे। पहली फीमेल प्रेसिडेंट स्लोवाकिया की बनी है एंटी करप्शन एक्टिविस्ट जुजाना कैपचुआ, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि फर्स्ट में है, करंट इवेंट्स में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बोलो। उसके बाद प्राइवेट एंटिटीज के कोई भी अपॉइंटमेंट्स हमारे लिए कोई बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। वह देखते हैं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। पैलेस्टीन से क्वेश्चन आते हैं कि मोहम्मद इस्ताये जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पैलेस्टीन के। मैंने एक और
एंट्रेंस पेपर में कहीं ये क्वेश्चन देखा था, मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, पूछ सकते हैं, एग्जाम में आया हुआ ऑलरेडी, शायद डीओ या क्लैट किसी एक में। फिर यूक्रेन का जो एक नया पॉलिटिकल न्यू कमर थे वोलोडिमिर जेलेंस्की, वो 2019 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं। के बाद IRDAI के अंदर एक 13 मेंबर कमेटी बनी है जिसके चीफ हैं सुरेश माथुर, और ये कमेटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है माइक्रो इंश्योरेंस के, उसको रिव्यू करेगी और मेजर्स सजेस्ट करेगी जो कि डिमांड इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन विल बी कि हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी फॉर्म टू रिव्यू द माइक्रो इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, तो सुरेश माथुर। फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसने रिपोर्ट सबमिट भी कर दी और वो चीज़ RBI ने फॉलो भी किया, कि बीमल चलान की कमेटी जो बनाई गई थी RBI के द्वारा, जो कि कैपिटल रिजर्व्स कितना बैंक को रखना चाहिए और कितना सेंटर को एक्स्ट्रा सरप्लस रिजर्व्स ट्रांसफ़र करना चाहिए, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। तो उसी के रिकमेंडेशन पे अभी हाल में ही पिछले महीने जो है RBI ने अपना सरप्लस ट्रांसफ़र कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये कमेटी का नाम इम्पोर्टेंट है, बिमल जलान कमेटी। फिर इसरो ने सक्सेसफुली 29 सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसमें कि एक इम्पोर्टेंट सैटेलाइट है एमीसैट। एमीसैट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स मॉनिटरिंग के लिए ये आपको सैटेलाइट है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, एमीसैट का नाम याद रख लीजिएगा। फिर कंदामल हल्दी इम्पॉर्टेंट है, इसको GI टैग फाइनली मिल चुका है, ये उड़ीसा में है। तो कंदामल हल्दी हैज़ गॉट द GI टैग फ्रॉम विच स्टेट, कहाँ के किस जगह से मिला है, तो उड़ीसा। उसके बाद फिर BSNL को, तो ये इम्पोर्टेंट है, BSNL को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस लाइसेंस मिली है कि जो इन फ्लाइट सर्विसेज में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज जो प्रोवाइड करने की बात कही गई है, वो BSNL को लाइसेंस मिली है कि आप प्रोवाइड करेंगे। ओके, और रूल्स क्या है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स पैसेंजर कैन मेक फोन कॉल्स और यूज़ द इंटरनेट व्हेन अ फ्लाइट इज एट अ मिनिमम हाइट ऑफ 3000 मीटर इन इंडियन एयर स्पेस टू अवॉइड इंटरफेरेंस विद टेरेस्ट्रियल मोबाइल नेटवर्क। उसके लिए एक सेपरेट मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया जाएगा, तो 3000 मीटर से ऊपर जाने के बाद ही वो नेटवर्क काम करेगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो पहला इंडिजिनस लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है जिसका नाम धनुष है, उसको फाइनली इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर दिया गया है, और ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है उसने इसे बनाया है। ठीक है, और ये एग्जिस्टिंग जो 155 मीटर और 39 कैलिबर बोफोर्स था, बोफोर्स आपने नाम सुना होगा, भले स्कैम के नाम से सुना है बट बोफोर्स सुना है, वो गन को रिप्लेस ये करेगी धनुष। फिर UN के पॉपुलेशन फंड के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो पॉपुलेशन बताती है उसमें इंडिया का जो पॉपुलेशन है इट ग्रीव एट एन एवरेज एनुअल रेट बिटवीन 2010 एंड 19 में 1.2% के एवरेज एनुअल रेट से ग्रो किया है। और अभी 2019 में इसकी पॉपुलेशन इंडिया की है 1.36 बिलियन, 136 करोड़। ठीक है, के बाद तो एयर क्वालिटी इन इंडिया 2014 से 19 का जो रिपोर्ट है उसमें कानपुर को जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी पूरे वर्ल्ड का बताया गया है। ठीक है, और फरीदाबाद हरियाणा का सेकेंड और वाराणसी थर्ड इसमें, और इसको पब्लिश WHO ने किया, WHO लिस्ट ऑफ 15 पॉल्यूटेड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़। के बाद
इम्फाल, ये आपको मणिपुर की कैपिटल नहीं, इम्फाल एक बेसिकली एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसको इंडियन नेवी ने मैजगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई में लॉन्च किया है। ठीक है, ये तीसरा शिप है इस प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें कि शिप्स आर बिल्ट टू कैरी एंड ऑपरेट टू मल्टीपल रोल हेलीकॉप्टर्स। इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेडनेस जो कि पब्लिश करती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, तो कौन क्या पब्लिश करता है ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, उसमें इंडिया को जो है 28 देशों में से 29वां स्पॉट दिया गया है। फिर हाल ही में इंडिया और इंडोनेशिया का 70 ईयर्स हुआ है डिप्लोमेटिक टाइज का, तो उसके बिहाफ में इंडोनेशिया ने रिसेंटली एक स्पेशल स्टाम्प जो है रिलीज किया है जिसका थीम रामायण का था। फिर जो करेंटली लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन द कंट्री बन गई है वो अब जियो बन गई है, ये तो अभी सेकंड दिखा रहा है बट रिसेंट जो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ उसमें इवन इन्होंने वोडाफोन और आइडिया के मर्जर को भी पीछे कर दिया है। स्टेट न्यूज में कोई स्कीम होगी तो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर बिहार की न्यूज देखेंगे हम। इंडिया का पहला कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट विलेज पाइंग को मनाया गया है जो मणिपुर में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला कुछ भी है तो ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट विलेज दैट इज पाइंग। फिर से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है वो पहला रेलवे स्टेशन बना जिसको ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है NGT के द्वारा, गुवाहाटी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सारी माइनिंग एक्टिविटीज को बैन कर दिया है काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास के और उसके जो कैचमेंट एरिया है कार्बी आंगलोंग हिल्स के उसमें। फिर वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि वर्ल्ड सिलेबस में है नहीं BPSC के, बट जो वर्ल्ड में वो चीज़ें जो कि पहली बार कुछ हुआ है तो करंट में वो पूछ सकते हैं। तो पहला 5G मोबाइल नेटवर्क का जो टेस्ट है वो साउथ कोरिया में हो गया है, पहला 5G नेटवर्क टेस्ट। उसके बाद फिर साइक्लोन इडाई को जो है यूनाइटेड नेशन ने रेडियस स्टॉर्म बताया है साउथर्न हेमिस्फीयर में, जिसमें कि जिम्बाब्वे में जो डेथ्स हुए वो 344 हो गए थे जबकि मोजाम्बिक में 602 डेथ्स हुए थे साइक्लोन इडाई के कारण। फिर एक्सरसाइज वेस्टर्न शील्ड जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये बिगेस्ट एवर इन्फेंट्री ट्रेनिंग मॉड्यूल है। ठीक है, तो ये मन्नार से पुटलम कलपिटिया ये सब जो है वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट में हमारा वहाँ तक एक्सटेंड करेगा। फिर जो पहला एवर ब्लैक होल की पिक्चर जो ली गई है उसका नाम पोवेही रखा गया है, तो ये याद रखिएगा इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है एग्जाम में आएगा। फिर बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019, ये एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में और ये झांसी में हुआ था अभी रिसेंट। के बाद नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट स्पेस में वर्जीनिया से यूएस के लॉन्च कर दिया जिसका नाम है नेपाली सैट 1। ओके, फिर श्रीलंका ने भी पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है
नासा के फ्लाइट फैसिलिटी से, उसका नाम था रावना वन। नवंबर में जो G20 समिट होने वाली है वो इस बार सऊदी अरेबिया होस्ट कर रही है। फिर इसराइल जो है वो गोलन हाइट्स में टाउन का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रखने वाली है। और उसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़, वर्ल्ड का पहला मलेरिया का जो वैक्सीन है जिसका नाम मॉस्क्विरिक्स है, वो मलावी में लॉन्च किया गया है। बनाया उसको जो फार्मास्यूटिकल जायंट GSK है, जिन्होंने हॉर्लिक्स वगैरह जिनकी है वो उन्होंने बनाया है। UAE ने जो हाईएस्ट अपना सिविलियन ऑनर है जायद मेडल, ऑर्डर ऑफ द जायद, वो नरेंद्र मोदी को दिया है। रशिया ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन स्टेट ऑनर जो है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, वो नरेंद्र मोदी को दिया है। तो जितने भी हाईएस्ट ऑनर्स मोदी को मिले इंडियन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को वो इम्पोर्टेंट है। के बाद स्पोर्ट्स न्यूज़ में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछते नहीं हैं। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि पहला से रिलेटेड है, तो सौरव घोषल जो हैं वो पहले इंडियन मेल स्क्वाश प्लेयर बने हैं जो कि टॉप 10 में रैंकिंग्स में आए हैं। के बाद तो आई डोंट थिंक अब कोई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रह गया है। वी हैव कवर्ड इनफ करेंट अफेयर्स। नाउ हम लोग अब बिहार का करेंट अफेयर देखते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ा है अप्रैल का। तो बेसिकली कुछ नहीं, एक रिपोर्ट जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की आई है, जिसका फोर्थ रिपोर्ट है ये। उसमें जो है कहा गया है कि इंडिया में हाई लेवल ऑफ स्टंटिंग है पूरे इम्प्रूवमेंट के बावजूद। तो बिलो 5 ईयर के जो 38.4% चिल्ड्रेन हैं जो उनको स्टंटेड थे, और 35.8% अंडर वेट है। और रैंकिंग के अकॉर्डिंगली ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का रैंक 158 था 195। तो बिहार से ये कैसे रिलेटेड है, क्योंकि जोग्राफिकल रीजन में बिहार में 48% सबसे ज़्यादा हाई रेट स्टंटिंग का बिहार में है। साथ साथ दो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो बिहार में हुए थे, कि बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे बने थे और बिहार के लोकायुक्त श्याम किशोर शर्मा। इसके अलावा बिहार में अप्रैल में कोई न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है नहीं। फिर अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अराउंड 75 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। जैसे हमने देखा कि अर्थ आवर डे जो 2019 में है वो किस दिन मनाया गया, 30 मार्च को। ओके, इसमें क्या होता है, अर्थ आवर डे में बेसिकली 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे लोकल टाइम पे सब लोग अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद कर देते हैं, जस्ट टू सेव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिर कंदमल हल्दी कहाँ से, तो उड़ीसा से। के बाद ये सारे न्यूज़ है, साथ में एक्सप्लेनेशन से आप आराम से देख सकते हैं इसको, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये। तो मलावी में जो है वो नबार्ड ने मिलके एक इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सेटअप किया है। आपको क्वेश्चंस कुछ इग्नोर भी करने हैं, सारे क्वेश्चन नहीं। जैसे कि LIC में मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है कोई इंसान, हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं 75। इसमें आपको देखना है, फिल्टर आउट करना है, खुद से स्मार्ट स्टडी करनी है हमें। सारे क्वेश्चंस को रटना नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था वेस्टर्न सील्ड, उससे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि वेस्टर्न सील्ड किसके साथ इंडिया का है, तो श्रीलंका के साथ। तो आप सारे क्वेश्चंस में फिल्टर आउट कीजिए कि विच इज़ इम्पॉर्टेंट आपके लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए बीपीएससी के। आखिरी दिन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बट आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कौन से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा समरी हम लोग कल ख़त्म करेंगे। उसके बाद हमारे सब्जेक्ट्स में बस एक टॉपिक रह जाएगा, दैट इज़ हमारा साइंस। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो डिले ना हो, जो कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि एग्जामिनेशन डिले भी हो सकते हैं, तो आई होप ऐसा ना हो सम, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पेस में अभी तैयारी कर रहे हैं और इसी कंटिन्यूशन में एग्ज़ाम देंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। ओके, यू, बाय बाय।